एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय की छात्र छात्राओं ने विद्यालय के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को ना हटाने की मांग की है और साथ ही उन्होंने हॉस्टल अधीक्षिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमें भड़काया था। दरअसल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कहा था कि हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है। छात्रावास के बाथरूम के आसपास कैमरे लगे हुए हैं और इस कैमरे से मोबाइल भी कनेक्ट है। साथ ही छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्राचार्य को भी हटाने की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। वहीं अब छात्र छात्राएं अपने बयानों से पलट गए हैं। उन्होंने हॉस्टल अधीक्षिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से हमने प्राचार्य पर गलत आरोप लगाए थे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। प्राचार्य को उनके पद से न हटाया जाए। फिर वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर पे जो भी कुछ आरोप लगे हैं और जो हमारे स्टाफ टीचर से कुछ आरोप लगे हैं वो सब भी बेबुनियाद है, और जो भी रिपोर्टर्स जो न्यूज़ में जो कुछ आ रहा है वो सब गलत है। हम चाहते हैं कि ऐसा आरोप हमारे स्टाफ प्रिंसिपल सर पे ना लगाया जाए, और जो भी प्रिंसिपल सर का जो ट्रांसफ़र होगा हम ट्रांसफ़र भी नहीं करवाना चाहते, हम इस स्कूल में रखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।